करने वाले जॉन सीना को समर स्लैम के अंदर रिटायर, गोल्डबर्ग के जीतने के कितने हैं चांसेस और ब्रे वाइट की रिटर्न पर आई ब्रांड न्यू अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स ब्लू एज जी। तो गॉसिप्स कैसे आप सब लोग, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की न्यूज के साथ। तो गाइस मंडे नाइट रॉ के अंदर हमने अंत में देखा कि किस तरीके से दोस्तों मैट रिडल का आरकेओ लगाया रैंडी ऑर्टन की तरफ से, लेकिन बात की जाए क्या वाकई में आरके ब्रो के संबंध खराब है, क्या वाकई में रैंडी ऑर्टन रिडल को रियल लाइफ में पसंद करते हैं कि नहीं। तो गाइस हाल ही में मैट रिडल का इंटरव्यू हुआ, मैट रिडल ने दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग थिंग्स हम लोगों को बताई है। मैट रिडल ये चीज बोले कि ऑन स्क्रीन तो ये चीज दिखती है कि रैंडी और मुझ में काफी ज्यादा अंतर है, रैंडी लोगों को आग लगाता है, मैं स्कूटर चलाता हूँ, रैंडी ऑर्टन जो है खुद को एपेक्स प्रेडेटर बताता है और मैं चप्पल उड़ाता हूँ, हम में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब कैमरास बंद हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ हम काफी ज्यादा कूल है और हमारी काफी अच्छी निपती है। तो काफी बड़ा खुलासा यहां दोस्तों मैट रिडल ने किया है। वहीं दोस्तों बात की जाए मंडे नाइट रॉ की, तो कल मंडे नाइट रॉ के बाद दोस्तों हमें एक ह्यूज एंगल प्ले होते हुए नजर आया है। तो गाइस रॉ में तो हम लोगों ने देखा कि सीना नहीं दिखाई दिए, लेकिन आफ्टर द मंडे नाइट रॉ दोस्तों वहां 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की एंट्री हुई, जो कि दोस्तों आते ही सार सबसे पहले दोस्तों आरके ब्रो के गले लगे हैं, जो कि दोस्तों काफी सुहावना मोमेंट था। रैंडी ऑर्टन एंड दोस्तों जॉन सीना को बेहद कम देखा गया है कि रिंग के अंदर वो गले लगे हो, लेकिन ये दोस्तों पहली बारी था कि वो हग किए हैं, जहां दोस्तों तीनों ने हग किया और तस्वीरें नेट के ऊपर दोस्तों काफी तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला जॉन सीना का मैच, ये दोनों निकल गए। जॉन सीना ने दोस्तों वहां टैग किया है किसके साथ, डेमियन प्रिस्ट के साथ, और दोस्तों फेस किया है जिंदर महाल एंड वीर को, जिस मैच में दोस्तों सीना की टीम की विजय हुई है। जहां दोस्तों सीना का मंडे नाइट रॉ में यूज नहीं किया गया, लेकिन आफ्टर द मंडे नाइट रॉ वहां ऑडियंस की संतुष्टि के लिए दोस्तों सीना आए हैं और हमें एक धांसू मैच देखने को मिला है। रॉ की बात लगी है तो रेटिंग हमारे सामने आ चुकी है, तो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न दोस्तों WWE ने काम नहीं किया है। दरअसल दोस्तों रॉ की रेटिंग मापी गई है 1.79 मिलियन और लास्ट वीक ये 1.82 थी, थोड़ा सा दोस्तों यहां झुकाव पाया गया है। अब गाइस ऐसा क्यों था, इसका रीजन तो सामने नहीं आ पाया क्योंकि ओलंपिक्स भी खत्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल दोस्तों रॉ की रेटिंग कम आई है। चलते हैं दोस्तों इससे अगले टॉपिक के ऊपर, दोगा इससे अगला टॉपिक जो आज का हमारा जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है दोस्तों ब्रे वाइट से। तो कल दोस्तों रॉ के अंदर आपने ब्रे वाइट के नाम की चैंट भी सुनी होगी, जहां अलेक्सा ब्लिस के मैच के द्वारा हमें दोस्तों सुनने को मिली थी एक ऐसी चैंट जो कि दोस्तों इससे पहले बेहद आहिस्ता आहिस्ता सुनने को मिल रही थी, और वो थी वी वॉन्ट वाइट। ये चैंट दोस्तों काफी तेज थी और इस बार दोस्तों वाइट को लोग वहां एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके पीछे का रीजन हमारे सामने आ चुका है। तो गाइस मैंने आपको बता रहा था कि वाइट जो है टीज कर रहे हैं अपने रिटर्न को, वो लिखे थे यू कांट किल इट, एक तस्वीर डाले थे ट्विटर के ऊपर। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ब्रे वाइट को वहां एडवर्टाइज भी किया गया, बताया जा रहा है कि गाइस वहां एरिना में यानी कि ऑरलैंडो में एक क्लिप दिखाई गई, जिसके अंदर दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड मिक फोली बात करते हैं फीड की। अब गाइस जब फीड को निकाल दिया गया तो ऐसे में उनकी एड चलाना कहीं ना कहीं सवाल निशान पैदा कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो फीड को दोस्तों कोई भी मेंटल इशू नहीं है, बल्कि दोस्तों जो ब्रे वाइट पहले से ज्यादा ठीक है। अब बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि WWE के साथ उन्होंने कोई नई डील साइन कर ली और जल्द हमें वो दिखाई दे। होप करते हैं दोस्तों ब्रे वाइट का रिटर्न हो, और दोस्तों अब थिंग्स कुछ इसी और जा रही है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है और जुड़ी है दोस्तों बैरन कॉर्बिन से। तो गाइस बैरन कॉर्बिन को कुड़की आ रखी है, सब लोग दोस्तों उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों बैरन कॉर्बिन अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में दोस्तों लिंस डोराडो ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हुए चीज बताई कि बीते कल जो कॉर्बिन है उनका पर्स चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, और लिंस डोराडो ने दोस्तों ये चीज कही है कि कॉर्बिन काफी गलत बंदा है। हाँ दोस्तों कॉर्बिन को न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है, कभी दोस्तों एडम पियर्स के पैरों में पड़ जाते हैं तो कभी डोराडो का पर्स चुराते हैं। होप करते हैं दोस्तों यहाँ हमारे जो कॉर्बिन है उनकी हालत में सुधार आए। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों समर स्लैम 2021 के अपडेट्स से। तो गाइस सबसे पहला अपडेट बैकी लिंच से जुड़ा, बैकी लिंच का दोस्तों रिटर्न होने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, PW इनसाइडर के माने तो बैकी लिंच दोस्तों होने वाली है समर स्लैम का पार्ट, और ये चीज दोस्तों PW इनसाइडर वालों ने कंफर्म करके बचाई है कि दोस्तों जो हमारा समर स्लैम रहेगा वो कोई आम नहीं रहेगा, वहां बैकी लिंच जो है
वो आएगी अटेंडेंस के अंदर। यहां साफ करके बताया गया अटेंडेंस के अंदर, माना दोस्तों उनका कोई मैच वैच नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज होती है कि आफ्टर द मैच वो या तो रॉ वुमन चैंपियन को कन्फ्रंट करे या फिर दोस्तों स्मैकडाउन वुमन चैंपियन को, देखते हैं किसके साथ उनकी कन्फ्रंटेशन होती है। लेकिन बैकी लिंच लौटने वाली है, काफी पॉजिटिव अपडेट है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों हमारे अपने बिल गोल्डबर्ग से। तो क्या गोल्डबर्ग समर स्लैम में जीतने वाले हैं, क्या गोल्डबर्ग बनने वाले हैं WWE चैंपियन, चले जान लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों हमें ये चीज बताई गई कि गोल्डबर्ग चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले हैं, जिसके पीछे का रीजन दोस्तों काफी सिंपल सा है। बताया ये जा रहा दोस्तों कि पॉप कल्चर को गोल्डबर्ग वालों ने इंटरव्यू दिया था, जिसे हाल ही में कन्फर्म किया गया है। गोल्डबर्ग ने दोस्तों वहां क्या चीज बताई थी कि लास्ट ईयर WWE के साथ वो एक डील साइन किया है, जो कि लगभग 3 साल की है, 2023 के अंत तक की है। और इस डील में दोस्तों उन्होंने केवल और केवल 2 मैचेस पर ईयर लड़ने से पहले ही दोस्तों ये खबर मैंने आपको बता दी थी आज से काफी समय पहले, लेकिन दोस्तों अब ये कन्फर्म हो चुकी है। दैट मीन्स दोस्तों इस साल केवल और केवल उनका 1 मैच बचता है, क्योंकि इससे पहले वो 1 मैच दे चुके हैं। और इसका मतलब साफ है कि समर स्लैम में दोस्तों बॉबी लैशली से नहीं जीतने वाले। टेक्निकली दोस्तों लैशली इस मैच के विजेता है। अब चाहे दोस्तों जिस भी तरीके से वो आए, चाहे दोस्तों चीटिंग करे या फिर कुछ और, वहां दोस्तों बॉबी लैशली टाइटल रिटेन करने वाले हैं। तो काफी ह्यूज अपडेट यह है। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो गाइस सबसे पहले सीना की बात करते हैं, सीना के ऊपर सेपरेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों जॉन सीना ने साफ कर दिया कि समर स्लैम के बाद के उनके क्या प्लान्स रहने वाले हैं, क्या रोमन रेंस वहां उन्हें रिटायर कर देंगे, क्या रोमन रेंस के हाथों रिटायर होने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं क्या कहा है इस पर सीना ने। तो सीना का दोस्तों हाल ही में इंटरव्यू हुआ था, जहां उनसे सीधा सीधा सवाल ये पूछा गया था, क्या समर स्लैम आखिरी PPV रहेगा जिसके अंदर आप दिखाई देंगे, क्या ये बात सच है, क्या रूमर्स सच है, क्या आप रोमन रेंस के हाथों रिटायर होने वाले हैं। सीना ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं समर स्लैम के बाद भी फाइट्स दूंगा, मैं तब तक फाइट करूंगा जब तक मुझे हेट मिलनी चालू नहीं हो जाती, जब तक ऑडियंस ऊब नहीं जाती। तो साफ कर दिया दोस्तों सीना ने कि जब तक दोस्तों उन्हें हेट मिलना स्टार्ट नहीं होता, जब तक लोग जो है उन्हें हेट नहीं देने लगते उम्र के उस पे, तो यहाँ दोस्तों सीना ने साफ कर दिया है कि अभी वो फाइट दे रहे हैं और आगे भी दोस्तों फाइट देते रहेंगे, जब तक लोग एंटरटेन हो रहे हैं वो एंटरटेन करते रहेंगे। अब सीना की बात लगी तो क्या सीना यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं, तो रिपोर्ट्स ऐसा नहीं बताती। दरअसल रोमन रेंस जो है वहां दोस्तों विजय प्राप्त करेंगे, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करेंगे, ये चीज तो साफ है। लेकिन किस तरीके से सिनारियो होगा ये दोस्तों काफी बड़ा सवाल है। सीना अगर जीत जाते हैं तो गाइज उसमें भी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि सीना ने साफ कर दिया कि रिटायर तो नहीं होने वाले, WWE को छोड़ने तो वो अभी नहीं वाले, उसके बाद भी दोस्तों 2-3 dates उनकी कन्फर्म है WWE के अंदर। रही बात दोस्तों समर स्लैम की, एक नया अपडेट आया है। समर स्लैम दोस्तों इस बारी का काफी ह्यूज होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां स्टार पावर्स में मापा गया है दोनों सुपरस्टार को, और इस वक्त दोस्तों ये दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार है जो कि कोलाइड करने जा रहे हैं। तो सीना दोस्तों काफी ह्यूज सुपरस्टार है, सब जानते हैं। रोमन रेंस ने बीते 1-2 साल में खुद की पोजीशन को काफी ऊपर ला दिया है। तो भाई स्टार पावर में जो मैच रहेगा काफी ह्यूज रहेगा, और इसके अंदर दोस्तों जनता भर भर के आएगी। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं मैं देखना चाहूंगा, अब भी कभी दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर दिखाइएगा। वीडियो आज की इतनी थी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।